और एहतसाब अदालत ने नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के जुडिशियल रिमांड में 21 फरवरी तक की तौसी कर दी। पेशी के मौके पर साबिक वजीर आजम ने मीडिया से गुफ्तगु में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आटा चीनी महंगी हो गई लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, हर रोज अवाम से 2 अरब रुपए लूटे जा रहे हैं, हुकूमत तो खत्म हो चुकी, बस एक जनाजा रखा है जब मर्जी पढ़ ले। हुक्मरानों पर तंज करते हुए कहा कि अवाम घबराए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मर्जी तब्दीली कर ले, बेहतरी नहीं आई। तब्दीली अब रोज ले आए, तब्दीली लाए थे पाकिस्तान के अवाम में, सो कॉल्ड तब्दीली थी, उसके असरात भी देख लिए सब। यू टर्न को छोड़े, आटा और चीनी सस्ती कर दे, जो अवाम का मतलब आटा चीनी तो ले सके ना। कौन खा रहा है ये सब जानते हैं, ये ATM खा रही है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा ATM खा गए। आप हर रोज पाकिस्तान के अवाम से 2 अरब रुपया लूटा जा रहा है, कोई जिम्मेदार है? कौन लूट रहा है? कोई जवाब है हुकूमत के पास? तो जवाब दें इमरान खान बुजदार कि क्या कर रहे हैं, कौन लूट रहा है, क्यों लूट रहा है, किसने इजाजत दी है? तो ये चोरों की हुकूमत है, ये लूट रहे हैं मुल्क को, आवाम को लूट रहे हैं।